और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने दो जगहों पर सीजफायर का उल्लंघन किया है। कुपवाड़ा के बाद अब सुंदरबनी में भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है, सेना इसका जवाब दे रही है लगातार। इससे पहले कुपवाड़ा में पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर फायरिंग की गई, जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। तो कुपवाड़ा के बाद अब सुंदरबनी इलाके में भी सीजफायर का उल्लंघन किया गया। सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता राजू केरनी हमारे साथ जुड़ गए। राजू, पहले कुपवाड़ा और अब सुंदरबनी में भी सीजफायर का उल्लंघन? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तरफ से ये एक सोची समझी साजिश है कि जिस समय जो है यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन जो है जम्मू कश्मीर के दौरे पे आया हुआ है, तो कल भी पाकिस्तान की तरफ से जो है नौशहरा सेक्टर में जो है वहां पे सीजफायर वायलेशन किया गया और सिविलियन पॉपुलेशन को वहां भी कल भी जो है टारगेट बनाया गया और लगभग जो है 6 घंटे जो है पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार बरसाए गए और मीडियम और स्मॉल आर्म जो है फायर किया गया। आज भी 3:15 बजे के आसपास पाकिस्तान ने नौशहरा के ही थोड़ा साथ लगते हुए सुंदरबनी सेक्टर का जो इलाका है वहां पे जो है गोलाबारी जो है शुरू कर दी, मीडियम आर्म्स स्मॉल आर्म्स के साथ जो है शुरू की थी और उसके बाद अब इस समय जो वहां से सूचना मिल रही है मोर्टार पाकिस्तान की तरफ से जो है बरसाए जा रहे हैं और निशाना जो है सिविलियन टारगेट जो है सिविलियन पॉपुलेशन जो है वो उसको निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि भारतीय सेना जो है जिस तरीके के हथियार पाकिस्तान यूज कर रहा है, पाकिस्तानी सेना यूज कर रही है, उससे बढ़कर जो है हथियार जो है भारतीय सेना की तरफ से दागे जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस इलाके में जो है चूंकि अब ऊपर के इलाके में जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के जो कुपवाड़ा तंगदार इलाके में जो है यहाँ पे घुसपैठ मुश्किल हो जाएगी, तो पाकिस्तान का जो इरादा जो है मैदानी इलाकों की तरफ जो है कम जो है ठंडे इलाकों की तरफ जो है वो हो जाएगा घुसपैठ करवाने का। हालांकि भारतीय सेना पाकिस्तान की इस जो है चलाकी को, इस चालबाजी को बखूबी समझती है, इसको देखते हुए वो उन इलाकों पर पहले से ही जो है नाकाबंदी की गई है, उन लोगों को पहले से ही उनको। फिर भी पाकिस्तान की तरफ से ये नापाक हरकत जारी है, दो जगहों पर सीजफायर का उल्लंघन किया गया, पहले कुपवाड़ा और अब सुंदरबनी इलाके में भी गोलीबारी जारी है। हालांकि हर एक गोली का जवाब यहां पर लगातार हमारे जवान दे रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है।